इस फिल्म में हम देखेंगे कि किस तरह से दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक सुंदरी को देखते हैं जो बीच रोड पर अपनी कार को रोके हुए थी। इस सुंदरी का नाम निया है। यह एक एक्ट्रेस है और यह अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि आज इसका ऑडिशन है। तभी उसके पीछे एक कार वाला हॉर्न बजाता है और वह डिस्टर्ब हो जाती है। वह कार वाला हैंडसम उसकी कार के साइड में रुकता है। इसका नाम सेबेस्टियन होता है और सेबेस्टियन वहाँ से हॉर्न बजाता हुआ चला जाता है। इसके बाद निया एक काफी हाउस जाती है जहाँ पर वह झोप करती है और तभी उसे ऑडिशन का मैसेज आता है। निया वहाँ से भागते हुए अपने ऑडिशन के लिए जाती है और वह वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसके रूम के अंदर एक और सुंदरी आती है। दरअसल कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आता है और इस वजह से निया का ऑडिशन खराब हो जाता है। निया अपने रूम में वापस जाती है जहाँ पर वह दो रूममेट्स के साथ रहा करती थी। उसकी मेट्स कहती है कि आज हम हॉलीवुड की पार्टी में जाएंगे और हो सकता है कि वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले और तुम्हारा कैरियर बन जाए। निया उनके साथ उस पार्टी में चली जाती है और वह उस पार्टी में बोर हो रही होती है, इसीलिए वह उस पार्टी से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर आकर वह देखती है कि उसकी कार वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी कार नो पार्किंग जोन में लगाई हुई थी। अब निया पैदल ही अपनी घर की तरफ चल देती है। वह एक रेस्टोरेंट के बगल से गुजर रही होती है तो उसे रेस्टोरेंट के अंदर से पियानो की मधुर आवाज सुनाई देती है। वह उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और देखती है कि सामने एक पियानो को एक हैंडसम बजा रहा होता है, और यह वही हैंडसम था जो सुबह उसकी कार के सामने हॉर्न बजा रहा था। दरअसल आज क्रिसमस डे होता है और वहाँ के मैनेजर ने उसे पियानो को प्ले करने के लिए कहा था। लेकिन जब सेबेस्टियन देखता है कि उसके पियानो के धुन को कोई भी इंजॉय नहीं कर रहा है, सब आपस में बातें कर रहे थे, तो वो जैज म्यूजिक प्ले करने लगता है जो उसने खुद तैयार किया था। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और उसे इस बात के लिए नौकरी से निकाल देता है। हालांकि सेबेस्टियन उसे बोलता है कि आज क्रिसमस है, आज ऐसा मत करो, लेकिन मैनेजर उसकी बात को नहीं सुनता है। इस वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी निया उसकी तरफ आती है, लेकिन सेबेस्टियन वहाँ से बिना कुछ कहे निकल लेता है। निया को ये बात अजीब सी लगती है। कुछ दिनों बाद निया एक पूल पार्टी में जाती है तो वहाँ पर एक आर्केस्ट्रा होता है जहाँ पर सेबेस्टियन भी होता है। वह वहाँ पियानो बजा रहा होता है। निया उसे पहचान लेती है और एक सांग की डिमांड करती है। इसके बाद सेबेस्टियन निया के पास आता है और वो उस रात के लिए उससे सॉरी कहता है। निया सेबेस्टियन को बताती है कि वह एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, पर वह अभी एक काफी हाउस में जॉब कर रही है। पूल पार्टी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन जब जा रहा होता है तो निया उसे आवाज देती है, और इसके बाद ये दोनों साथ में अपनी कार की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नजारा होता है। ये दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और निया उसकी तरफ आ रही थी कि तभी निया की रूममेट का कॉल आता है और ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके बाद निया अपनी कार में बैठ जाती है और सेबेस्टियन वापस लौट जाता है। सेबेस्टियन को निया से प्यार होने लगा था। अब सेबेस्टियन अपनी कार में बैठता है। अगले दिन सेबेस्टियन निया के काफी हाउस में जाता है। निया सेबेस्टियन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। सेबेस्टियन बताता है कि उसकी कुछ मीटिंग थी, और इसके बाद निया और सेबेस्टियन काफी हाउस से निकल जाते हैं। निया सेबेस्टियन को वार्नर ब्रदर का बाहर का स्टूडियो दिखाती है। यहाँ पर शूटिंग भी चल रही थी। निया सेबेस्टियन को बताती है कि वह बचपन में बहुत फिल्में देखा करती थी और तभी से उसे एक एक्ट्रेस बनने का शौक है और वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि उसे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है और वो उसकी जिंदगी है। निया कहती है कि उसे जैज म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर सेबेस्टियन रुक जाता है और वो निया को एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ पर जैज म्यूजिक बज रहा था, और वह निया को जैज म्यूजिक के बारे में डिटेल से उसे बताता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि जैज म्यूजिक खत्म हो रहा है, इसलिए मैं एक अपना क्लब खोलना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ जैज म्यूजिक बनेगा। यहाँ लोग सिर्फ जैज म्यूजिक सुनने के लिए आएंगे। इसके बाद निया वॉशरूम में जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल कास्टिंग डायरेक्टर का होता है जहाँ पर उसने ऑडिशन दिया था। अब उसे सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है और निया ये बात सेबेस्टियन को बताकर बहुत खुश होती है। तब सेबेस्टियन उसे एक मूवी का नाम बताता है जिसे निया ने नहीं देखी होती है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि यह मूवी तुम्हारी जिंदगी से बहुत मिलती है। अब ये दोनों अगले दिन शाम को ये मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद ये दोनों क्लब से निकल जाते हैं। अगले दिन निया अपना ऑडिशन देने के लिए ऑफिस पहुंचती है। वो अपनी एक लाइन भी नहीं बोली कि कास्टिंग डायरेक्टर उसे थैंक्स कह देता है, यानी कि उसका ऑडिशन हो गया है। वो समझ जाती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वह इस बात से अपसेट हो जाती है और वह अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब रास्ते में उसे वही थिएटर दिखाई देता है जहाँ उसे आज सेबेस्टियन के साथ मूवी देखनी है। अब उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसका मतलब ये है कि उसे सेबेस्टियन अच्छा लगने लगा था। अब शाम को वह मूवी देखने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी वहाँ पर ग्रेग आता है। दरअसल ग्रेग निया का बॉयफ्रेंड होता है
और वो उसे याद दिलाता है कि आज उसे ब्रदर के घर डिनर पर जाना है। अब न चाहते हुए भी निया को उसके साथ जाना होता है। दरअसल निया ये बात भूल गई थी, इसलिए उसने सेबेस्टियन को कह दिया था। हालांकि निया वहां पर होती है, पर उसका दिमाग वहां पर नहीं होता है, क्योंकि वह सेबेस्टियन के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी। कुछ देर बाद आखिर निया अपने बॉयफ्रेंड से कह देती है कि उसे जाना होगा, और वो वहां से सीधा थिएटर में आती है जहां पर फिल्म शुरू हो चुकी होती है। थिएटर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी वह सेबेस्टियन को खोज लेती है। अब ये दोनों फिल्म देखते देखते अपना हाथ एक दूसरे की तरफ करने लगते हैं, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी लाइट जल जाती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक अलग जगह पर जाकर डांस करते हैं और किस भी करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इस प्रकार से इन दोनों का चक्कर चलने लगता है। कई दिन गुजर जाने के बाद एक दिन सेबेस्टियन निया के घर पर होता है। तभी निया की मॉम का कॉल आता है। तब निया की मॉम पूछती है कि सेबेस्टियन क्या करता है, तो निया अपनी मॉम को बताती है कि वो अपना जैज क्लब खोलने वाला है, शायद ये आपको पसंद आएगा। निया की बात सुनने के बाद सेबेस्टियन अपने पुराने एक दोस्त के पास जाता है, जिसने उससे जैस म्यूजिक प्ले करने का ऑफर किया था, और अब सेबेस्टियन उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दरअसल सेबेस्टियन ट्रेडिशनल जैस म्यूजिक प्ले करना चाहता है। अब वह अपने जॉब को छोड़ देता है और बैंड के साथ काम करना शुरू कर देता है, जहां पर उसे हफ्ते के $1,000 और उसका सारा खर्च उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी तरफ निया ऑडिशन फेल होने के बाद अपनी काफी वाली जॉब छोड़ देती है और वो राइटिंग करना शुरू कर देती है, जैसे वो बचपन में किया करती थी। दरअसल सेबेस्टियन ने उसे राइटिंग लिखने के लिए सजेस्ट किया था और खुद उसे करना चाहिए, और अब ये दोनों अपनी जिंदगी में आगे जाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन अपनी जॉब को ज्वाइन करने के बाद बहुत बिजी हो जाता है। उसकी लाइफ अब लगभग सेटल हो चुकी है, और एक रात निया उसे फोन करके कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, और उसी रात सेबेस्टियन उससे मिलने के लिए आता है और दोनों डिनर करने लगते हैं। निया उससे पूछती है कि जो तुम म्यूजिक प्ले कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता है कि मुझे नहीं पता और इससे क्या फर्क पड़ता है। निया कहती है कि तुम ये काम नहीं करना चाहते थे, पर तुम अब सालों तक पियानो बजाओगे, जबकि तुम्हारा सपना कुछ और था। तुम अपना जैज क्लब खोलना चाहते थे जहाँ पर प्योर जैज म्यूजिक बजेगा। सेबेस्टियन को उसकी बात समझ में नहीं आती है। वो कहता है कि जब मैं नाकामयाब था तब तुम मुझे बहुत पसंद करती थी। अब ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सेबेस्टियन कहता है कि तुम भी ये चाहती थी कि मेरे पास एक परमानेंट जॉब हो। वो कहती है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहती थी, ताकि तुम अपनी जिंदगी में अच्छे से रह सको और साथ में अपने जैज क्लब को स्टार्ट कर सको। सेबेस्टियन कहता है कि जैज म्यूजिक कोई भी पसंद नहीं करता है, यहाँ तक तुम भी नहीं। निया कहती है कि अब मुझे जैज म्यूजिक पसंद है, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। इसके बाद निया यहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सेबेस्टियन भी चला जाता है, और ठीक दो हफ्ते बाद निया का एक्ट प्ले होता है। यह एक सोलो एक्ट प्ले है जिसमें उसको खुद ही एक्टिंग करना होता है, लेकिन इस प्ले को देखने के लिए बहुत ही कम लोग आते हैं, और शो खत्म होने के बाद लोग बिना उत्साह जाने लगते हैं। निया समझ जाती है कि लोग उसके एक्ट से खुश नहीं हैं। इस बात से निया पूरी तरह से टूट जाती है। सेबेस्टियन भी इस एक्टिंग को देखने नहीं आया था। अब जब वह वहाँ पहुँचता है तो प्ले खत्म हो चुका था। अब निया इस बात से नाराज हो जाती है। वह रोते हुए कहती है कि मेरा एक्ट कोई पसंद नहीं किया, इसलिए मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, और वो सेबेस्टियन से नाराज होकर वहाँ से अपनी मॉम के घर निकल जाती है। कुछ दिन बाद सेबेस्टियन को एक कॉल आता है, और ये कॉल एक कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। वो कहते हैं कि निया मेरा फोन नहीं उठा रही है, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। दरअसल निया ने ऑडिशन देते वक्त सेबेस्टियन का नंबर लिखावा दिया था। सेबेस्टियन निया को बताने के लिए उसके घर जाता है और बताता है कि तुम्हारा शो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा था, उसे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। वह एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म के लिए वह तुम्हारा ऑडिशन लेना चाहते हैं। निया कहती है कि मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ, इसलिए मैं कोई ऑडिशन देने नहीं जाऊंगी। मैं हजारों ऑडिशन दे चुकी हूँ और हर जगह से मैं निकाल दी गई हूँ, शायद मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी हूँ। सेबेस्टियन कहता है कि तुम सबसे बेहतर हो और तुम्हें मेरे साथ कल ऑडिशन देने चलना है, मैं सुबह 8 बजे आऊंगा। वो कहती है कि मैं नहीं आऊंगी। अगले दिन सेबेस्टियन उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। निया तैयार होकर ऑडिशन देने के लिए जाती है, और ऑडिशन के बाद वह सेबेस्टियन से मिलती है। सेबेस्टियन को पूरा यकीन है कि उसे इस फिल्म में जगह मिल जाएगी, लेकिन निया को अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि वह जो कुछ भी अपनी जिंदगी में बनना चाहती है, उसे वह सपना पूरा करना है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं और निया अपनी कॉफी शॉप में जाती है, जहाँ वह जॉब किया करती थी, और अब वो कामयाब एक्ट्रेस है, और उसका सपना था कि एक दिन वह किसी तरह से इस कॉफी शॉप में आएगी। उसका सपना आज पूरा हो चुका है। साथ में उसकी शादी भी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। वह अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन उसकी शादी डेविड नाम के एक आदमी से हुई है। एक दिन निया और डेविड एक क्लब में जाते हैं, ये जैज क्लब होता है। निया उस क्लब का लोगो देखकर समझ जाती है कि यह सेबेस्टियन का क्लब है, क्योंकि यह लोगो निया ने सेबेस्टियन के लिए बनाया था।
इसके बाद निया देखती है कि सेबेस्टियन माइक पर कुछ बोल रहा था। तभी सेबेस्टियन की नज़र निया को देख लेती है, जिसके बाद वह पूरी तरह से खामोश हो जाता है। अब सेबेस्टियन अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। दरअसल सेबेस्टियन का भी सपना पूरा हो चुका है। अब इसके बाद वह निया का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। अब जब वो सॉन्ग बजता है तो निया और सेबेस्टियन दोनों सपनों में खो जाते हैं। दोनों अपना पुराना दिन याद करते हैं। इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग हुए ही नहीं, और आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ है और कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि ये एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार करेंगे। यहाँ ये दोनों बात नहीं करते हैं। अब निया का जाने का वक्त होता है। जाते हुए निया सेबेस्टियन को एक प्यार भरी नजरों से देखती है और मुस्कुरा देती है और चली जाती है। सेबेस्टियन भी उसे देखता रह जाता है और प्यार भरी मुस्कान देता है। अब इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार के रोमांटिक मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।